पटना में दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रियों से लूट। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर छीना सामान। दिल्ली से कोलकाता जा रही थी ट्रेन। दिल्ली कोलकाता जा रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार को लूट की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा हथियारबंद लुटेरों ने चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर यात्रियों से सामान और रुपए लूट लिए हैं। यात्रियों को लूटने के बाद बदमाश चेन खींचकर फरार हो गए। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12274 में ये घटना हुई है। बिहार की राजधानी पटना के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया है। 20 हथियारबंद लुटेरे ट्रेन के करीब 6-7 बोगियों में चढ़ गए और वहां मौजूद यात्रियों से कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक लूट की एक घटना रविवार तड़के 3 बजे हुई है। घटना के समय दुरंतो एक्सप्रेस पटना को पार कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि किसी ने इमरजेंसी चेन खींची थी, जिसके बाद ट्रेन रुकी और यात्रियों के वेश में कई बदमाश ट्रेन में सवार हो गए। जैसे ही ट्रेन कुशेश्वर और मझोली हॉल्ट के बीच पहुंची, बदमाशों ने ट्रेन की बोगियों में यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। ट्रेन में मौजूद कोलकाता के एक व्यापारी ने बताया कि ट्रेन पटना से करीब 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। उसी दौरान अचानक हंगामा हुआ और उन्होंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इसके तुरंत बाद ट्रेन रुकी और कुछ बोगियों में बाहर से कई लोग घुस गए। उन लोगों ने कई यात्रियों का सामान छीन लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद हथियारबंद बदमाशों ने ट्रेन की चेन खींची और कीमती सामान लेकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दानापुर आरपीएफ टीम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार रात करीब 3 बजे हथियारबंद बदमाशों ने दुरंतो एक्सप्रेस की 2 बोगियों में लूटपाट की है। वहीं सीनियर कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडे ने बताया कि जब सुबह 4 बजे ट्रेन जसीडीह पहुंची तो लूट के शिकार यात्रियों ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के पटना जंक्शन से ही कुछ अपराधी सवार हुए थे और पूर्व निर्धारित प्लान के जरिए ट्रेन में चेन पुलिंग की, जिसके बाद अन्य हथियार बंद बदमाश भी बोगी में घुस गए। यात्रियों ने बताया कि कई यात्रियों से कैश और सामान की लूट की गई है। फिलहाल आरपीएफ ने लुटेरों की पहचान और कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ट्रेन में आरपीएफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लूट का सामान भी बरामद किया जाएगा। आपको बता दें कि जसीडीह और दानापुर की आरपीएफ की संयुक्त टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।